दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए शर्मा जी ऑटो डील को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट ऑटो रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल शर्मा जी ऑटो डील पे। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं पुरानी गाड़ियों के। तो जो लोग सेकंड हैंड गाड़ियां ख़रीदना पसंद करते हैं और वो ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं सभी पुरानी गाड़ियों के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा काम का है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों जो मैं जानकारी आपको दूंगा आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगी अगर आप पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि मैं पुरानी गाड़ी ख़रीदना चाहता हूँ, क्या प्रोसीजर रहेगा, अगर मैं इस गाड़ी को अपने राज्य में लेके आता हूँ क्या खर्चा आएगा, ट्रांसफ़र कैसे होगी, क्या नंबर चेंज हो जाएगा गाड़ी का। तो इस विषय के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, सीधी बात करेंगे पुरानी गाड़ी के डीलर से और उन्हीं से जानेंगे कि अगर कोई बंदा किसी और राज्य से बैठ के किसी दूसरे राज्य की गाड़ी को पसंद करता है और वह गाड़ी वो ख़रीदना चाहता है तो क्या प्रोसीजर रहेगा ऐसे में, और जो है क्या खर्चा उसको आएगा गाड़ी को ले जाने में, और ट्रांसफ़र हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या उसको लोकल नंबर मिल जाएगा नंबर ट्रांसफ़र होने के बाद। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, बात करते हैं सीधी पुरानी गाड़ी के डीलर से। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। हाँ जी सर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी देंगे कि अगर कोई बंदा किसी और राज्य से बैठा है और किसी दूसरे राज्य की उसको गाड़ी पसंद आती है ऑनलाइन, क्योंकि आजकल वीडियोस बहुत देख रहे हैं लोग, तो उनमें जो है अगर किसी दूसरे राज्य की गाड़ी अगर वो पसंद करता है तो क्या प्रोसीजर रहता है गाड़ी ख़रीदने का वहाँ पर। सबसे पहले तो मैं इसको तीन भागों में हम बात करेंगे, तीन भागों में इसको हम बांट सकते हैं। पहले तो ये है कि जो जहाँ से हमने जिस स्टेट से गाड़ी, सपोज करो मैं पंजाब में बैठा हूँ, मेरे को हरियाणा या यूपी में गाड़ी कोई पसंद आ गई है, उसका कारण कोई भी हो सकता है, गाड़ी मुझे सस्ती मिल रही है, गाड़ी अच्छी मिल रही है, जहाँ गाड़ी जहाँ मैं रहता हूँ स्टेट में वहाँ गाड़ी नहीं मिल रही, वो गाड़ी वहाँ दूसरे स्टेट में मिल रही है, हो जाता है ना ऐसे आजकल, क्योंकि लोग जो है वो वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन, तो ऐसे में गाड़ी अगर उसको दूसरे राज्य से पसंद आ जाती है तो वो ख़रीदने का प्रोसीजर, बहुत से लोग कमेंट कर रहे हैं कैसे खरीदें, क्या प्रोसीजर रहता है, ट्रांसफ़र हो जाएगी या नहीं होगी, इसमें बताएं। हाँ, उसमें ये है कि जब आप अगर आप दूसरे स्टेट से गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि आपके पास जो वहाँ की NOC है, जैसे हम स्टेट NOC बोलते हैं, ठीक है, वो आपके पास होना, आप मतलब आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ केसेस में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि कुछ केसेस में ऐसे हुआ है कि एक स्टेट से, एक सपोज करो या पंजाब वालों ने, उसने डिसाइड किया है कि मैंने गाड़ी यूपी से खरीदनी है, ठीक है, उनकी टेलीफोन पे बात हो गई कि आप जी हमें डॉक्यूमेंट कौन सा दोगे, उन्होंने बोल दिया कि जी मेरे टैक्स वगैरह कंप्लीट है, ठीक है, मगर जब पेमेंट हो गई, पेमेंट होने के बाद जब वो गाड़ी, वो जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए, RC दे दिया या जो भी डॉक्यूमेंट गाड़ी के साथ थे, वो आदमी आया आके उन्होंने अपना यहाँ पे जहाँ पे वो रहते थे उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा, ठीक है, तो वहाँ जो एजेंट था अपना लोकल, उसने बोला भैया NOC लेके आओ, वो बोला जी वो क्या होती है NOC, ठीक है, वो बोला जी मैंने तो ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ। हाँ, उसको पता नहीं था। अब इसमें थोड़ी सी वो बेचने वाले ने चलाकी कर दी, ठीक है, उसने कागज तो पूरे करवा दिए पर उसमें ये जो NOC होती है वो NOC तब बनती है, NOC क्या चीज़ है, NOC वो चीज़ है, NOC में वहाँ की कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट, ठीक है, कोई इंश्योरेंस वाली रिपोर्ट, एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, कोई उसका जो पुराना कोई टैक्स या कोई चलान क्लियर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, अगर ये चीज़ें सब क्लियर होगी तभी NOC बनेगी। तो पहला स्टेप जो NOC का है। हाँ, NOC का है, ठीक है, अगर आप गाड़ी कोई ख़रीदने जाते हो
वहाँ अब आपकी बात होती है, अगर आपको बेचने वाला ये बोलता है कि मैं आपको एनओसी दे दूँ, आपको कागज़ क्लियर करा के दूंगा, मतलब जो मुझे आपकी बात से ये समझ आ रहा है कि गाड़ी पसंद कर लें, चला के देख लें, पेपर्स की जो हमने बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ हमें एनओसी तक मतलब होना हाँ चाहिए। एनओसी है। अगर अगर कोई वो गाड़ी बेचने वाला ये बोलता है कि मैं आपको डॉक्यूमेंट कंप्लीट दूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट कंप्लीट डज नॉट मीन एनओसी। एनओसी साथ में होने चाहिए तब कंप्लीट होता है। हाँ चलो जी, ये पहला स्टेप तो एनओसी का हो हाँ जी, गया। हाँ। उसके अलावा जब हम ट्रांसपोर्ट गाड़ी अगर लेके आता है बंदा तो क्या प्रोसीजर रहेगा वो उसका? तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास 100, 200, 150 किलोमीटर में अगर गाड़ी आप परचेज करने जा रहे हो तो आप बाई रोड भी आ सकते हो। ठीक हाँ है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सपोज करो एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाते जो उसका लोकल टैक्स है वो आपको पे करना वो पड़ेगा, जो रोड टैक्स होता है रोड पर डे, टैक्स पे आपको करना पड़ेगा। वो शायद मेरे मेरे ख्याल से कुछ पर डे के हिसाब से वो है। पर डे के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये तो ट्रांसपोर्ट का हो गया। अगर 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो वहाँ वो तो फिर आपको जो जैसे कोई बड़ी गाड़ी है जैसे ट्राला वगैरह जाता है या कोई ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपको बुक ही करवा के आनी पड़ेगी। ठीक है। चलो ये दो स्टेप क्लियर हो गए। अब तीसरा स्टेप है, अगर वो अपने एनओसी निकलवा लेता है ट्रांसपोर्ट करके अपने राज्य में, अगर वो बंदा आ जाता है तो उसमें ट्रांसफ़र क्या हो जाएगी? उसके नाम के ऊपर नया नंबर लग जाएगा हाँ वहाँ का? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास एनओसी है तो आप अपने जो लोकल रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है आप ठीक है, उसके पास जाओ, वो डॉक्यूमेंट जो कंप्लीट है अपना अपने प्रूफ और जो साथ में एनओसी है वो आप सबमिट लगवाओ करके। ठीक सबमिट करो, है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो उसको आजकल उसको रीसाइनमेंट बोलते हैं। रीसाइनमेंट। हाँ ठीक नया है, नंबर आपको मिल जाएगा, आपके स्टेट का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो मुझे समझ आया कि पहले स्टेप में बंदे ने एनओसी का ध्यान रखना है, दूसरे स्टेप में तो ट्रांसपोर्ट का है, वो अगला बंदा अपने हिसाब से जैसे उसको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, तो तीसरा जो स्टेप है ट्रांसफ़र का, वो स्टेप है कि रीअसाइनमेंट होती है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट एनओसी वगैरह जो आपने पहले स्टेप में बोली, वो जो कागज़ आप वहाँ पे कलेक्ट करोगे वो आके लोकल सबमिट करके नया नंबर आप मिल सकता है आपको, हाँ जी बिल्कुल, और ट्रांसफ़र भी उसके नाम पे हो जाएगी बंदे के, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसमें। वो तो उस नाम से ही जिस नाम पे एनओसी बनी होगी उसी नाम से ही वो ये ट्रांसफर नॉर्मली होगी। कितने टाइम का प्रोसेस रहता है ये सारा? 15 दिन भी लग सकते हैं, महीना भी लग सकता है, वो डिपेंड एक थोड़ा सा करता आइडिया है। दे दे कि रीअसाइनमेंट का खर्चा क्या होता है। तकरीबन तकरीबन अगर होगा तो स्टेट के हिसाब से 20 से 25 हज़ार रुपया खर्चा होता है, कहीं कहीं 2 हज़ार कम है, वो एजेंट पे डिपेंड करता है, वो उसके अपने चार्जेस। हाँ एक चीज़ मैं और क्लियर करवा दूँ, अगर आपने एनओसी ले आए, कुछ हमारी आजकल आदत ये है कि हम बोलते हैं कि चलो भाई अभी तो खर्चे हुए हैं, अभी खर्चा हुआ है अभी थोड़ा डिले कर लेंगे। ये जो एनओसी है स्टेट एनओसी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो 6 महीने के लिए वैलिड है। तो 6 महीने के अंदर अंदर नंबर लगवाना हाँ होता है। लगवाना जरूरी है। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो जो है हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। तो जो जानकारी दी सर ने, उम्मीद करता हूँ आप सभी के बहुत ही ज़्यादा काम आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप देखते रहें शर्मा जाट ऑडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहें शर्मा जाट ऑडियो।